मैं बाहर का भी काम करूं, मैं व्लॉग भी बनाऊं, मैं घर का काम भी करूं। हो घर का काम, बाहर का काम ये नहीं बताना था ना इनको। उरेन बाबा मेरे, उरेन आई टेको, ये क्या बदतमीजी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की जो रोजे हैं वो बहुत अच्छे जा रहे होंगे, क्योंकि मेरे तो रोजे बहुत अच्छे जा रहे हैं और मैं ना रोजों को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ कि अल्लाह ताला ना आगे भी मुझे हिम्मत दे कि मैं पूरे रोजे रख सकूँ। टाइम वेस्ट किए बिना हम यहीं से व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले अम्मी ने चिकन को कर लिया था फ्राई और साथ ही प्याज रख दी थी लाइट ब्राउन होने के लिए। ये किसने उतारा, आपने? टमाटर को बिल्कुल छोटा छोटा काट लिया। आज अम्मी बताएंगी हमें कि कढ़ाई कैसे हम बनाते हैं। प्याज के साथ टमाटर को डाल के अच्छे से मिक्स किया। थोड़ा सा पानी डाल के तुम गलने के लिए रख देंगे आंच पे। यहाँ पर जो है ना हांडी रखी हुई है मनने के लिए। इससे जब हांडी तैयार होगी इससे पहले हम लोग आटा गूंद देते हैं। अच्छा, तो आटा जो है ना वो गूंद लिया। कितनी चम्मच मिर्च? ये तो हसबे जायका होती है, जितनी इंसान हम लोग मसाला तेज खाते हैं। डेढ़ चम्मच, एक चम्मच तकरीबन नमक का, थोड़ी सी हल्दी, इसको ढक दें थोड़ी देर के लिए दोबारा अच्छी तरह से गर्म जाए। हमारा जो मसाला ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है। बिल्कुल तैयार होने के लिए डालना हो गया, अब हम डालेंगे ये। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, आप चिकन पहले फ्राई क्यों करते हैं? पहले फ्राई क्यों करते हैं, उससे जायका बनता है, ठीक है, और चिकन का कच्चापन दूर हो जाता है। ओके। और अभी फिर ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा उसको तैयार होने में। ठीक है, हमारा मसाला हो गया रेडी, अभी हम उसे डाल देंगे चिकन। ठीक है, थोड़ा सा भूनेंगे, डाल के भूनने के बाद फिर इसको हल्की आंच पे दम पे रख देंगे। हमारी हांडी ना तैयार हो चुकी है, अब हमारी बारी है पराठों की। हम पराठे बना रहे हैं। अम्मी राइस बाद अम्मी एक्सपर्ट है, मैं इसे फ्राई करती हूँ। परफेक्ट गोल बनाती है, बिल्कुल परफेक्ट गोल। हमारा तवा गर्म हो रहा है, ये हांडी पड़ी है, ये पराठा जो हमने तवे पे डाल दिया है। अच्छा देखो इस कितना गोल बना हुआ है, और आप यकीन करोगे कि मुझसे पता नहीं इस तरह का गोल पराठा क्यों नहीं बनता। मैं चाहे जितनी मर्जी कोशिश करूँ लेकिन मुझसे जो पराठा है ना वो गोल नहीं बनता, अजीब सा ही नक्शा बन जाता है। वैसे तो मैं पराठा लवर नहीं हूँ लेकिन यहाँ पर मुझे पराठे को देखकर इतनी कोई शदीद भूख लगी है कि मेरा दिल करा मैं भी खाने बैठ जाऊँ, इतना को क्रिस्पी और गरम पराठा और कढ़ाई के साथ सोया में। तो जी हमारी कढ़ाई और पराठा तैयार हो चुका है, अब टाइम है सैरी का, तो हम लोग जल्दी से सैरी करके वापस आते हैं, टेस्ट कर लेते हैं कैसी बनाई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। हेलो अम्मी, रुक रुको ना टांग करो मेरे बच्चे को, मेरे बच्चे को ना। तो जी यहाँ पे हमने सहरी जो है वो कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब वजू करना है और रोजा बंद होने का टाइम बस होने वाला है। ये हमारी जोजा कायनात, हाय 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 हाय, चाय आई अल्लाह बाबा सदके, ओहो हस्बैंड सदके, पापा सदके कह रहे फ्रेंड को, क्या क्या ना मुंह पर चले गए। 15 मिनट हो गए हैं, ठीक है, सैरी का टाइम खत्म होने में अभी भी 45 मिनट बाकी है। यहाँ पे हमारी चाय आ गई, चाय पियेंगे अभी सुकून से शिप शिप करके। हाँ तो भाई सब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी चाय आ चुकी है, ठीक है, वो भी अपनी सोजा के हाथ की चाय। वजू करेंगे, वजू करने के बाद हम लोग फजर की नमाज पढ़ेंगे, फजर की नमाज पढ़ने के बाद हम लोग सो जाएंगे और सुबह के रूटीन हम आपको सुबह दिखाएंगे, ठीक है। एक बात बताइए, कल का व्लॉग जो बना ना वो यही जब कल अपलोड करना है, वो 4:55 मैं काम ना करूँ कुछ भी तो इस औरत से काम नहीं होता। ए, हेलो। इस औरत को ना मैं चाहिए ही चाहिए कि मैं ना बस काम करूँ ही करूँ, मैं बाहर का भी काम करूँ, मैं व्लॉग भी बनाऊँ, मैं घर का काम भी करूँ। हो घर का काम, बाहर का काम ये नहीं बताना था ना इनको, झाड़ू पोछे का नहीं बताना था ना, बर्तन धोने का भी नहीं बताना था ना इनको, वॉशरूम धोने का भी नहीं बताना था। अभी ने जब भी कमरा साफ किया था वो भी नहीं बताना था। अभी जो अपने प्रैक्टिस, अच्छा मैं जरा बर्तन जरा बाहर रख के आ रहा हूं, इससे पहले मेरी कुटाई हो। नहीं यार, सारा काम मेरे घर का ये बंदी करती है, ठीक है, पूरा मेरे कपड़े धोती है, मेरी हर कोई गुमी हुई चीज, यहाँ तक कि मेरे सामने भी परी, वहां पे भी परी होगी ना, मैं कहूंगा रूज पकड़ाओ जरा मुझे, वो मुझे पकड़ा दो पाउडर।
मतलब मुझे कोई भी चीज़ चाहिए होगी ना तो मुझे ये ला के देती हैं, ये सिर्फ झूठ है ठीक है। अगर मैं कोई ऐसे कंटेंट बनाता भी हूँ ना तो वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जो हंसाने और क्या ये मेरे भी पड़ रही है, इससे पहले मुझे बाकी में बर्तन शर्तन धोने पड़ जाए। आप ये सारा सामान उठाओगे और जाकर किचन में रखोगे। आई मेरा हाथ रह गया, आई मेरी चाय, मेरी चाय यार, मेरा शोल्डर। गुड मॉर्निंग टू ऑल माई यूट्यूब फैमिली। हम लोग अब निकल रहे हैं पोलर के लिए, पोलर पे जाके देखते हैं अफतारी का क्या सीन है, तो चलते हैं पोलर पे। हेलो हुरैन, दुआ मांगो। हुरैन ने अपने चीट होता तोड़ दिया। बिस्मिल्लाह खुलने में ना सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट बाकी और यहाँ पे हम दुआ शुआ मांग रहे हैं। जी आज हमारे पास है फ्रूट चाट, यहाँ पे है फ्रूट्स, उधर है कचौरी समोसे, इधर है जूस और इधर है चने और ये है चटनी, ये है रूच, ये है हमारे साथ हुरैन, हाय बाय, इधर है अम्मा, अस्सलाम वालेकुम। इफ्तारी के बाद चाय तो लाजमी है, इसके बगैर जिंदगी का बिल्कुल गुजारा नहीं, चाय के आगे ना कुछ भी नहीं। अच्छा इफ्तारी के बाद ना नींद मुझे आई होती है और ये मैडम सो जाती है। चलो बाबा मेरे हैं, छोड़ो मैं क्यों दूं, बाबा मेरे हैं, मुझे बचा लो उरैन, बाबा मेरे हैं, छोड़ दो मुझे उरैन, नहीं बाबा मेरे हैं, बचाओ 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 बकलो, आय 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 आय, ये बकलो बचाओ, थैंक यू, आय आय यू बी, उरैन ये बाबा मेरे हैं, उरैन आय आय उरैन आय बाबा मेरे हैं, उरैन बाबा मेरे उरैन आय थैंक यू, नहीं क्या बदतमीजी है, ये दो बाबा मेरे, बाबा मेरे, आई मेरे बाबा, मेरे बाबा क्या मसला है मेरा, नहीं छोड़ूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी, इतना जोर कौन लगाता है, रख लो अपने बाबा अपने पास मुझे।